नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। यूएस के खिलाफ बौखलाया चीन, ताइवान को हथियार बेचने वाली अमेरिकी कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरेस ने गौतम अडानी मुद्दे पर भारत सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम अडानी के मुद्दे पर मोदी क्यों चुप है, उन्हें संसद और विदेशी निवेशकों का जवाब देना होगा। वहीं कांग्रेस ने भी सख्त लहजे में कहा कि दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को झुका सके। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच और शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के पास आदिवासी लड़के विश्वनाथ की जान जाने पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। भिवानी घटना को लेकर बीएचपी ने कांग्रेस पर किया हमला। महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन बोले, बजरंग दल पर लगे झूठे आरोप, सीएम अशोक गहलोत मांगे माफी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले की निंदा की और हरियाणा तथा राजस्थान राज्य सरकार पर निशाना साधा। स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्रिकेटर चेतन शर्मा ने दिया इस्तीफा। 20 दिसंबर 2020 को चेतन शर्मा बीसीसीआई में चयनकर्ताओं के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले को बड़ी बेंच में भेजने से किया इनकार। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। निरहुआ के साथ काम कर चुकी भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल गिरफ्तार। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को मारी थी थप्पड़। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप YouTube के नए CEO बने भारतीय मूल के नील मोहन। 2008 से जुड़ा गूगल से नाता, साल 2015 में YouTube से जुड़े थे। बांदा में CM योगी आदित्यनाथ बोले, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनेगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा जिनका नाम CM के लिए आता है मेरा बेटा भी उन्हें पढ़ा सकता है। यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी ने आप पर किया हमला। सचदेवा बोले, NGT को आपसे वसूलना चाहिए जुर्माना। कांग्रेस ने भी राज्यपाल को लिखा पत्र। पंजाब के चंडीगढ़ में हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का ट्रायल असफल हो गया। 50 मीटर दूरी पर ही इंजन हांफने लगा, इससे रेलवे विभाग और RDO टीम की तैयारी पर पानी फिर गया। ट्रायल के लिए दोबारा दिन निर्धारित किया गया है। हरियाणा के पलवल में ऑटो और स्कूल बस की भिड़ंत, शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित काली नदी पर 2 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का हुआ उद्घाटन, 3000 की आबादी होगी लाभान्वित। देवघर में धारा 144 लगाने और शिव बारात को लेकर दाखिल याचिका पर रांची हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में देवघर प्रशासन ने कहा कि पूरे देवघर में नहीं बल्कि कुछ इलाके में धारा 144 लगाया गया है, जिस पर कोर्ट ने जनता के बीच पूरी जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद माने डॉक्टर, प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई स्थगित। जम्मू कश्मीर सेवा चयन आयोग एवं भर्ती बोर्ड यानी सरकारी पदों के लिए 2300 से अधिक सफल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया। इन उम्मीदवारों से स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारियों की कमी दूर होगी। बंगाल के नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसके चलते भाजपा ने उनके गिरफ्तारी की मांग की है। पुणे में 3D तकनीक से जान सकेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा। 19 फरवरी को होगा शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन। न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अजमेर ने वार्ड 79 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र वालिया और उनके दलाल रोशन चीता को 2 माह तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। इससे पहले आरोपितों की 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी हुई थी। वजन कम करने के लिए डाइट में शामिल करें फल और सब्जियां, जो विटामिन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप डेली डाइट में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वजन घटने के साथ आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। यूपी में सेना भर्ती रैली आवेदन शुरू। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, अमेठी, AR में निकली है वैकेंसी। उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर जारी अधिसूचना के अनुसार अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका आयोजन 17 अप्रैल को किया जाएगा।
तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए मोबाइल न्यूज 24 को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को ऑन कर दे, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।